बात अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की जाए तो ग्वार के अंदर भी अभी आज तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जो ग्वार कल 10,000 के नीचे लुढ़क चुकी थी आज वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। नवंबर वायदा 10,000 के ऊपर निकल चुका है और अभी भी बाजारों में वही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। 9800 से लेकर 10,200 तक नवंबर वायदा फिलहाल इस रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। वहीं अगर ग्वार सीट की बात करें तो ग्वार सीट में भी आज खरीदारी लौटी है, आधे फीसद की तेजी ग्वार सीट के अंदर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। नवंबर वायदा 5800 के पार है, 6000 के स्तर इसमें वापस से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसके अंदर एक रेंज बनी रह सकती है ग्वार के अंदर, ग्वार सीड ऊपर में 6000 तो नीचे में 5800-5700 के घरों में कारोबार करती दिखाई दे सकती है। सेम एज इट इज ग्वार गम की बात करें 10,200 से 10,500 ऊपर मैक्सिमम अपसाइड और नीचे में अगर देखा जाए तो 9800 से 9700 की रेंज बनती हुई फिलहाल दिखाई दे सकती है। तो ग्वार के अंदर जिस दिन गिरावट आए उस दिन खरीदारी कीजिए और जब थोड़ा बहुत बाजार बाउंस दे उस दिन प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी करना चाहिए, क्योंकि लंबी अभी इसमें तेजी के लिए वेट नहीं करना चाहिए।